जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ कोयनाबाद के बारे में कि इस समय ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बाँध क्यों बनाया जाता है। किसी भी नदी पर और कोई बाँध बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? क्यों इसलिए बनाया जाता है कि उस नदी के जल को रोक कर क्या किया जाए, विद्युत उत्पादन किया जाए या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध किया जाए, पेयजल की सुविधा उपलब्ध किया जाए, इसीलिए तो बाँध बनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो कोयना बांध है ये चर्चा में क्यों है। ठीक, तो चर्चा में इसलिए है कि कोयना बांध जो बना है ये कोयना नदी पर बना है और कोयना नदी के जल को रोककर जो विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो विद्युत उत्पादन के लिए जो पावर प्लांट बैठाया गया है उसे हम कहते हैं कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। उस कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का जो पांचवा चरण है वो निर्माणाधीन है। यानी निर्माणाधीन का मतलब क्या कि उसका कार्य क्या है, आधा अधूरा ही हुआ है, वो फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? तो इसलिए फंसा हुआ है, CAG यानी भारत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कहना है कि कोयना परियोजना के लिए जो संशोधित अनुदान था उस पर क्या प्रशासनिक स्वीकृति मिलने में क्या हुई, बहुत समय लगा है, बहुत देरी लगा, इसलिए कोयना परियोजना के लिए जो धन था उसमें क्या हुआ, बहुत 6 सालों तक क्या था, फंसा था। इसीलिए कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का जो पांचवा चरण है वो निर्माणाधीन है। तो इसके बारे में आज क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सोचते हैं कि कोयना जो बांध है ये किस नदी पर बना है। तो जो कोयना बांध है तो ये कह सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो ये कह सकते हैं सतारा जिला महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र का क्या है, सबसे बड़ा बांध है क्या? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध। पूछेगा कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो कोयना बांध है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, कोयना बांध है। ये किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर है। क्या? कोयना नदी पर है। कोयना नदी ये किसकी सहायक नदी है, पूछे किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्या? कृष्णा नदी की सहायक नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर का, महाबलेश्वर में स्थित का हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से। क्या? हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से होती है। क्या? श्रृंखला से होती है। पूछा है कि कोयना नदी और कृष्णा नदी के जहाँ पर जो मिलती है उस हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। उस संगम को क्या कहते हैं, प्रीति संगम। क्या? प्रीति संगम कहते हैं। क्या? प्रीति संगम। कोयना नदी और कृष्णा नदी के संगम को क्या कहते हैं, प्रीति संगम कहते हैं। जो कोयना नदी है चार नदियों से मिलकर बनी है। कितने नदी से? चार नदी से मिलती है, जिसमें आपका क्या हो जाए, केरा हो गया, वांग हो गया, मोरना हो गया और महेदी हो गया। क्या? महेदी। ये चार नदियों से क्या हुआ, मिलकर बना है। तो कोयना जो बांध है तो ये पश्चिमी महाराष्ट्र के जो आसपास के जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत उत्पादन के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई करने के लिए बनाया गया था कोयना बांध। ठीक, कोयना बांध का कह सकते हैं इसका कार्य कब शुरू हुआ था, कार्य की अगर बात करें, कार्य 1951 में शुरू हुआ था। पूछा गया कि इसकी पहली टर्बाइन कब कार्य शुरू की थी, पहली टर्बाइन कब कार्य शुरू की थी, तो 1962 में शुरू की थी। पहले टरबाइन ने किया था 1962 में कार्य शुरू की थी। अगर कोयना बांध की बात करें, कोयना बांध के बारे में करें तो कोयना नदी पर स्थित है। और कोयना नदी की एक बात और खासियत है कि जो महाराष्ट्र में जो सारी नदियाँ है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन कोयना नदी ठीक उसके विपरीत उत्तर से दक्षिणी दिशा में बहती है। तो अगर पूछ दे पेपर में कि महाराष्ट्र की जो सभी नदियां हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन इनमें से बताइए कि कौन से, इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है, तो कोयना नदी है। ये क्या है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। किधर से? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है कोयना नदी। कह सकते हैं कि ये शिव सागर झील का निर्माण करती है। किसकी? शिव सागर झील का क्या करती है, निर्माण करती है। इसकी लंबाई कितनी है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? शिव सागर झील की।
ठीक ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।